थाना क्षेत्र के करजहा के फोरलेन पर खड़े ट्रक में पीछे से आ रही निजी बस ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर की सूचना मिलते ही खोराबार पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को सरकारी एम्बुलेंस के माध्यम से जिला अस्पताल के लिए रवाना किया। घायलों ने बताया कि वो ईंट भट्ठे पर दिहाड़ी मजदूरी के लिए जा रहे थे, तभी यह हादसा हो गया। हादसे में एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई और लगभग 11 लोग घायल हो गए, जिसमें बस चालक व एक महिला और दो बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायलों को मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया है। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए जिला चिकित्सालय के डॉक्टर संतलाल व घायल के परिवार के सदस्य ने बताया, हमें ये पता चला कि करजहां जो है हाईवे पे एक्सीडेंट हो गया है। वहां से 10-11 लोग हमारे अस्पताल पे आए हैं, जिला अस्पताल में, और कुछ गंभीर हैं, कुछ अर्ध चोटिल हैं, जिनको फर्स्ट एड करके मेडिकल कॉलेज के लिए रिफर कर दिया जाता है। सब तो किसमें से बच्चे कौन कौन लोग हैं उसमें? लगभग जो है 5 बच्चे हैं, 2 औरतें हैं और 3 बड़े जेंट्स। किसी की मृत्यु हुई है सर? जी, किसी की मृत्यु हुई है? पता चला है कि ऑन स्पॉट एक एडल्ट की मृत्यु भी हो गई। कहाँ से आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे? ये शाहजहाँपुर से आ रहे थे और हाटा के लिए ये लोग जा रहे थे, और करजहाँ फोर लाइन पे एक्सीडेंट हो जाने के कारण ये लोग जिला अस्पताल में डायरेक्ट यहाँ आ गए और यहाँ से फर्स्ट एड देने के उपरांत मेडिकल कॉलेज रिफर कर दिया गया। क्या कंडीशन है? इसमें से 2 की अति गंभीर है और लगभग बाकी लोग जो है हेड इंजरी हुई है, लेकिन अति गंभीर न होने के कारण इनको जो है मेडिकल कॉलेज रिफर कर दिया गया है। आ रहे थे साहब, और रास्ते में बस खड़ी पर इसने टक्कर मार दी पीछे से। और कहाँ, आप किस में बैठे थे? हम बस में जिसने टक्कर मारी उस पर बैठे थे। अच्छा, और गाड़ी कौन सी थी? बस थी बस। तो कितने लोग घायल हुए? घायल कम से कम हों 10-12 लोग। आपके साथ कितने लोग हैं? हमारे साथ 10-12, हमारे परिवार के तो 5 लोग हैं। 5 घायल हैं? 5 घायल। कौन कौन लोग हैं, नाम बताइए? आदेश, धीरेश, बीकेश, अरजीत और कमला देवी। क्या करते हैं आप? भट्टे पर जाते थे साहब। भट्टे कहाँ पर जा रहे थे? हाँ, किस जगह जा रहे थे? कसिया से आगे महुआ। कसिया से आगे महुआ।